खबर झारखंड से है, जहां पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लूला लंगड़ा चोर या डकैत किसी को भी बीजेपी टिकट दे दे तो जीत पक्की हो जाती है। तो निशिकांत दुबे का यह बयान सामने आया है, सांसद है झारखंड से, और बयान जिस तरह से सामने आया है, उनका कहना है कि चोर हो या कोई डकैत हो, अगर बीजेपी उसे टिकट दे देती है तो वो जीत जाता है। तो विवादित बयान जो दिया गया है, उस पर पार्टी किस तरह से निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लेती है, यहां पर देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का बयान यहां पर निशिकांत दुबे के जरिए दिया गया है, आने वाले वक्त में झारखंड में चुनाव है तो शायद मुश्किलें यहां पर बीजेपी के लिए पैदा हो सकती हैं। तो बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, जीत पक्की हो जाती है, चाहे वो चोर हो या डकैत। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना दी, लंगड़ा को, लूला को, काना को, चोर को, डकैत को, बदमाश को, जिसको बना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रघुवर दास जी के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो जो भी चुनाव करेंगे वो सही चुनाव करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि करप्ट पार्टी नहीं है। 5 साल में न राज्य में न केंद्र में हमने किसी को कमाने दिया और न कमाया, न पैसा खाया न पैसा खाने दिया। आज चिदंबरम जैसे आदमी को हम लोगों ने जेल में ठूस के बता दिया, और हो सकता है कि आपको 2-4 दिन में खबर मिल जाए कि सोनिया गांधी का जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उसको भी हमने जेल में बंद कर दिया।